हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिंग ने शिया से झूठ बोलने का बदला लेने के लिए उसके पूरे घर को ही पिंक कलर के स्टफ के साथ डेकोरेट कर दिया होता है। रात को शिया फिर शिंग को कॉल करके बता देता है कि मिस्टर किन उनके साथ बिजनेस करने के लिए मान गए हैं। दूसरी तरफ हीजू को पता चलता है कि याओ ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, तो वो फिर इस बात पर सैड हो जाता है। शिया और मिस्टर किन अब अपने कंट्री वापस आ चुके होते हैं। शिया के प्रोजेक्ट का हेड मिस्टर किन ने जहंग नामी गर्ल को बना दिया था। अब एयरपोर्ट पर शिंग शिया को पिक करने आई होती है और यहाँ पर वो तो उसे हग भी कर लेती है। शिया जब ऑफिस पहुँचता है तो सभी स्टाफ उसका वेलकम करता है। यहाँ पर शिंग ने शिया को झूठ बोल दिया था कि जिस अपार्टमेंट में तुम रहते थे उसकी साफ सफाई हो रही है, तो अब तुम्हें कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। शिया फिर अपने घर वापस आ जाता है और वहाँ हर चीज़ को पिंक कलर में देखकर वो समझ जाता है कि ये सारा किया धरा शिंग का ही होना है। इसका मतलब मेरा झूठ पकड़ा जा चुका है। अब शिंग वहाँ आकर उससे यूं घर के बेचने वाला झूठ बोलने का रीज़न पूछती है, तो वो उसे यही कहता है कि मैं बस तुम्हारे क्लोज रहना चाहता था, इसलिए मुझे वो सब नाटक करना पड़ा। अब घर को पहले जैसा करने के बदले में शिंग उसे पिंक ड्रेस पहनाकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। सब लोग तो शिया की ऐसी फ़ोटो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। फिर बाद में शिंग ही जहंग को पिक करने जाती है और फिर हमें पता चलता है कि जहंग तो असल में शिया की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। बाद में वो शिया को उसके ऑफिस में आने का बता देती है एंड यहाँ पर ये दोनों तो फिर किस भी कर लेते हैं। ऑफिस में आते ही जहंग ने शिया को हग कर लिया था। इस बात से सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब शिया तो जहंग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे कह देता है कि शिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। वो फिर अपने प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प करवाने के लिए जानबूझकर शिंग को अपनी हेल्पर बनवा लेती है और वो बाकायदा उसे फिर ऑफिस का स्टफ लाने के लिए मॉल भी भेज देती है। हीजू ने शिया को बता दिया था कि वो याओ से लव करता है। वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। अब वो तो उसकी उल्टी सीधी हरकतें जानता था, सो इसलिए वो फ्यूचर में उसे याओ का ख्याल रखने के लिए कह देता है। हीजू को पता चल गया था कि इस वक्त याओ कहाँ है, सो वो अब उससे मिलने जाने का डिसाइड करता है। यहाँ आने पर जहंग ने सबको ट्रीट भी दी होती है। शिंग को भी पता चल जाता है कि जहंग शिया को पहले से ही जानती है। यहाँ पर जहंग तो शिया के बहुत क्लोज आने की कोशिश करती है। इस बात से शिंग फिर काफ़ी जेलिस फील करती है, बट फिर भी उसे शिया पे बिलीव था कि वो उसे जहंग की खातिर कभी नहीं छोड़ेगा। एंड अब ये दोनों मिलकर खाना खाने भी जाते हैं और एक साथ में काफ़ी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ ही यू साहब आखिरकार याओ तक पहुँच ही गए होते हैं। जहंग ने तो अब ग्रैंडमा के थ्रू शिया तक पहुंचने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो खुद तो उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। वो ग्रैंडमा को शिया से ब्रेकअप करने का रीज़न अपने इल होने का बताती है। अब वो उनसे ये भी कह देती है कि वो जैसे तैसे करके उसका शिया से पैचअप करवा दे। ग्रैंडमा उसे फिर अपने घर खाने पर इनवाइट करती हैं। जहंग तो शॉपिंग करने के लिए अपने साथ बाकायदा शिंग को लेकर जाती है एंड उसे बता देती है कि मैं शिया की ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। शिया को भी पता चल गया था कि जहंग अब उसकी ग्रैंडमा के घर गई है, तो वो भी अब वहाँ पहुँचा होता है। ग्रैंडमा तो शिया को अपने स्टेटस वाले लोगों में ही शादी करने के लिए कहती हैं, बट वो तो उनकी बातों पर कोई फोकस नहीं करता और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। ऑफिस में शिंग को गेम खेलने में दिक्कत हो रही होती है, तो शिया आकर फिर उसे गेम सिखाता है। जहंग की सोशल मीडिया पर लगाई गई पोस्ट से शिंग को पता चल गया था कि कल डिनर पे शिया भी गया था। वो इस बात से सैड हो जाती है। अब वो तो फिर उससे नाराज़ भी हो गई थी। तो रात को शिया उसे मनाने पहुँचा होता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात शिंग के डैड से भी हो जाती है।
उन्हें गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो तो शिया की गाड़ी को देखकर ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड अब तो उन्हें इनके रिलेशन से कोई एतराज़ नहीं रहा था। अब फिर वो शिंग से मिलने जाता है एंड उससे अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे ग्रैंडमा के पास जाने का नहीं बताया, और साथ में जहंग के बारे में भी उसे सारा कुछ बता देता है। एक्चुअली में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन ही वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब फिर उसकी शिया से नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। याओ की कोइंसिडेंटली शिंग से भी मुलाकात हो गई होती है एंड यहाँ पर वो उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करती है। सो रात को शिया एंड शिंग उनकी प्लेस पर पहुँचे होते हैं। अब याओ इन सबको बता देती है कि उसने हीजू की फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली हैं और ये सब लोग मिलकर यहाँ पर खूब सारा इन्जॉय करते हैं। शेन भी अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर आई हुई थी। जहंग तो शिया को खुद की तरफ तवज्जो करने की बहुत ट्राई करती है, बट वो तो उसके ट्रिक्स में अब बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। अब बदले में वो शिया को अपनी बनाई हुई रिपोर्ट दिखाती है जिसमें उसने यही लिखा था कि मिस्टर किन को TIG कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो शिया से कहती है कि अगर वो ग्रैंडमा के बिजनेस को संभाल ले और मुझे अपना ले तो तभी मैं अपनी रिपोर्ट को बदल सकती हूँ। शिया को भी पता चल जाता है कि जहंग अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में मिक्स कर रही है। ग्रैंडमा की कंपनी में वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्हें अब वाकई में किसी के सहारे की ज़रूरत थी। टेम्परेरी उनकी हेल्प करने के लिए शिया वापस उनके पास आ भी जाता है। जहंग भी यहाँ पर पार्टी में आ चुकी थी। शिंग की भी यहाँ एंट्री हो चुकी होती है। इसके सामने जहंग जानबूझ के शिया के क्लोज आ जाती है, बट शिंग को शिया पे बिलीव था और वो यहाँ पर सबके सामने उसे किस भी कर लेती है एंड सबको बता देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। खैर पार्टी में अचानक ही ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। अब शिया तो TIG कंपनी में कुछ वक्त के लिए नहीं आने वाला था, सो उसके पीछे शिंग को ही सब संभालना पड़ता है। शिंग का बर्थडे आ गया होता है, सभी उसे गिफ्ट देकर विश करते हैं, बट इस टाइम सिर्फ वो शिया के साथ ही सेलिब्रेट नहीं कर पाती, जिसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलता है, बट साथ में उसके लिए बाकायदा गिफ्ट भी भेजता है, जिसे देखकर वो तो फिर खुश हो जाती है। अब बाद में शिंग हॉस्पिटल में शिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने आती है। अब रिपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे तो इनके सामने शिया उससे थोड़ी लिमिट में रहकर ही बात करता है ताकि लोग बाद में शिंग को उसकी गर्लफ्रेंड होने पर बातें ही न सुना दें। अब शिंग ने अपना सारा फोकस सिर्फ वर्क करने में ही लगा दिया होता है। बाद में शिया जब शिंग से मिलने ऑफिस आता है तो वो वहाँ पर उसे बेहोश पड़ी मिलती है। उसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब ओवरटाइम करने की वजह से ही हुई थी। अब हॉस्पिटल में शिंग को पता चलता है कि ग्रैंडमा ने अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेन को दे दी है। अब तो शिया का TIG कंपनी में वापस आना बनता था। शेन तो बहुत खुश होती है कि ग्रैंडमा ने उस पर बिलीव करके ही जिम्मेदारी उसे सौंपी है। शिया का अब मिस्टर किन से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका होता है। जहन ने बहुत कोशिश की थी कि वो शिया का काम ख़राब कर दे, बट मिस्टर किन ने उसे ये करने ही नहीं दिया था क्योंकि वो शिया के वर्क पे ज़्यादा सेटिस्फाई थे। जहन गुस्से में अब शिंग को ही क्रिटिसाइज़ करने लगती है कि उसका आशिया का कोई मैच नहीं है। ऊपर से शिया आकर शिंग की ही साइड लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड अब तो सबको पता चल गया था कि शिंग और बॉस डेट कर रहे हैं। शिया ने अब शिंग को प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया था। वो एक बहाने से उसे रेस्टोरेंट बुलवाता है और फिर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज भी करता है, और फिर इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है कि शिंग ने एक्चुअली में शिया की दी हुई रिंग एक्सेप्ट ही नहीं की थी। इधर हीजू की भी याओ को लेकर कोई दाल नहीं गल रही थी तो वो काफ़ी अपसेट होता है। यहाँ पर याओ को बचाने के चक्कर में हीजू खुद को ज़ख्मी कर बैठता है। याओ तो इस बात से उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है एंड वो अब उससे शादी करने को तैयार थी। बाकी अब शिया रह जाता है। खैर शिया ने अब शिंग के बगल वाले अपार्टमेंट को बाय कर लिया होता है। इस बात से वो तो काफ़ी खुश होती हैं।
बाद में मिस्टर किन शिया से कहते हैं कि शिंग को हमारे स्टार्ट होने वाले प्रोजेक्ट से निकाल दो, बट वो उनकी बात नहीं मानता और शिंग को लेकर फिर उनके ऑफिस आकर उन्हें साफ कह देता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो शिंग को यहाँ से कहीं नहीं निकालने वाला। इस बात से मिस्टर किन बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उनसे ये सब कहलवाने का आइडिया शिंग का था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर शिया उस पर कितना ट्रस्ट करता है, और वो टेस्ट में पास हो चुका था। और ऐसा करने पर वो फिर उससे अपोलोजाइज भी करती है, एंड यहाँ पर शिया उसे माफ़ करके किस भी कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हीजू एंड शिया की वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। शिंग और याओ अपने अपने डैड्स के साथ फिर वहाँ पर आती हैं और इनके डैड्स इनके हाथ फिर ग्रूम्स के हैंड्स में देते हैं। ये दोनों कपल्स पहले एक दूसरे के साथ रिंग्स एक्सचेंज करते हैं एंड फिर बाद में किस भी कर लेते हैं। और आज के दिन सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी लग रहे होते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली शिया ने अपना लव पा ही लिया था। अब नेक्स्ट हमें सिर्फ शिया एंड शिंग की बेबी प्लानिंग का सीन दिखाया जाता है, और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।